नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल फॉर दी कंपाउंड। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि देखिए हम ये वाला फॉर्मूला झट से लगा देते, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2n वाला या 2n माइनस वन प्लस 2n बाई 2 माइनस 1, आप ये दोनों फॉर्मूले झट से लगा के इनमें आंसर 3 या कुछ भी अपना बता देंगे, बट ये फॉर्मूले यहाँ यूज नहीं हुए। यहाँ थोड़ा सा हम बच्चों को ये बोलेंगे कि आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके बताओ कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर हो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल, दो ही पॉसिबल होगा, या तो वो सिस होगा या वो ट्रांस होगा, तो इस हिसाब से इसके भी क्या होंगे। या तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, ऐसे जैसे ये हो गया या फिर आपका ये होगा। इसको बोलेंगे हम सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं पूछे कितने आइसोमर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके दो होंगे, इनको यूज नहीं करना है।